छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो लोग हैं जिनको लगता था राम मंदिर पे उनको असंभव लगता था, आज रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती है। हमारे एनसीपी के साथियों को मैं नकली वालों की बात नहीं कर रहा। मुंबई इथे झालेल्या जाहीर सभेत बोलताना नकली शिवसेनेने हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंना धोका दिला असे प्रतिपादन नरेंद्र मोदी यांनी मुंबई येथे झालेल्या जाहीर सभेत केले। पुढे बोलताना देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी म्हणाले, मी राम मंदिर बांधून दाखवलं, गेल्या अनेक वर्षापासून अनेक पिढ्यांनी संघर्ष केला परंतु होऊ शकलं नाही। देशात भाजपचं सरकार आल्यानंतर पहिलं आम्ही राम मंदिर बांधलं, त्यानंतर जम्मू काश्मीरमधून 370 कलम हटवलं। जम्मू काश्मीरमध्ये कोणीही जमीन घेऊ शकत नव्हतं, तिथं वास्तव्य करू शकत नव्हतं, आम्ही हे करून दाखवलं। देशात सर्वत्र चांगले रस्ते बनवले, गेल्या 10 वर्षात हिंदुस्थानमध्ये एकही बॉम्बस्फोट झाला का? देश शांत आहे, मुंबईत सुद्धा बॉम्बस्फोट झाला का असा प्रश्न त्यांनी केला। याद करना, कभी वो बम धमाके हुआ करते थे, सुबह घर से निकलते थे तो शाम को जिंदा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे इसका कोई विश्वास नहीं था। आज गर्व के साथ आपकी बेटी शाम को आनंद से घर लौट सकती है, ये याद करके जाना। और कमल पे और मेरे साथियों के जो सिंबल है उन पे अपना बटन दबा करके मोदी को जरा मजबूत कीजिए। यामिनी जाधव जी आशे मुंतिने उद्धव ठाकरे इन सभी के पक्ष में 20 मई को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना, राम मंदिराला विरोध करणारी, और जब आपको वोट देंगे ना आप इनको नकली शिवसेना वोट सीधा का सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आवाहन केले गेले।